एक और दूसरा नंबर दो। बेसिकली ये राजा भर्तहरी गुफा है और ये राजा विक्रमादित्य के भाई थे। इन्होंने यहाँ पूजा भी यहीं करी थी और उनकी समाधि भी यहीं है। तो यहाँ दो गुफा है, ये गुफा नंबर वन और यहाँ पे गुफा नंबर टू है। तो अंदर गुफा नंबर वन में गए अभी, तो सफोकेशन बहुत हो रहा था अंदर। अब गुफा नंबर टू में जाएंगे, तो अगर उज्जैन आ रहे हो तो ये जगह भी पॉइंट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे भी आना बनता है, इंटरेस्टिंग है। अभी ये गुफा नंबर टू, गोपी चंद गुफा नंबर टू। पता नहीं है क्या विक्रमादित्य नहीं भरत अपनी रक्षा स्वयं करें, यहाँ लिखा हुआ अंदर रुकना और बैठना मना है, अपनी रक्षा स्वयं करें। स्वयं शेर चित्ते तो नहीं है पर यहाँ पे कुछ भी हो सकता। जय भोलेनाथ। अंदर तो पंखा चल रहा है, एसी लगा हुआ है। यहाँ तक ही है भाई, ये लास्ट है, ये सेकंड गुफा बोले ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। लगी हाँ वही तो के सीसीटीवी लग रहा है। आहा हवा अंदर सही है, सही तो है, फैन वैन लग रहे हैं मस्त एकदम, बाबा के आलीशान है। फर्स्ट गुफा में तो एसी लग रहा है, सेकंड में फैन लग रहा है। आराम से पाठ पूजा करो अंदर, बस ये है गुफा। सब जगह घूमने के बाद अब हमारे जस्ट होटल के पास ही हमको ये एक रेस्टोरेंट मिल गया है। तो खाना खा लिया है, अब हमारा जो दो तीन डेस्टिनेशन बाकी रह गई थी, रामघाट हो गया, एक और कौन सी कशिश, हरसिद्धि माता का मंदिर, वो दो तीन बाकी रह गए थे जो उसमें इंक्लूड नहीं थे ई रिक्शा में। तो हम मतलब पैदल जा रहे हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है इसलिए। ये महाकाल मंदिर के बैक साइड में हर सिद्धि माता जाने का रास्ता है और ये मार्केट है दोनों तरफ। गजराज बनाना उज्जैन में जितनी जगह घूमो उतनी कम है। ये क्या, ये कौन सी प्लेस है,
विक्रमादित्य मेमोरियल, विक्रमादित्य मेमोरियल, ये भी वहाँ हरसिद्धि माता जी के बीच में रास्ते में ही पड़ता है। आए हैं तो सब जगह घूम के जाएं यार, वापस कब आएंगे पता नहीं। ये झील देखो, झील में क्या है पता नहीं। वो विक्रमादित्य की बड़ी मूर्ति है शायद, पेतल भट्ट, अमर सिंह, शंकु, धनवंतरी, कालिदास, द बिगेस्ट विक्रमादित्य। ये किसी को पढ़ना हो तो पोज करके पढ़ लेना। तो अभी हम हैं हरि सिद्धि माता जी के मंदिर में। तो ये जो पीछे दिख रहा है, यहाँ पे शाम को आरती होती है 7 बजे। तो आप यहाँ जब भी आओ तो हो सके तो शाम को आना, क्योंकि आरती बहुत ही बढ़िया होती है, तो उसे मिस मत करना। रामघाट मार्ग जहां पे कुंभ होता है। तो ये हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है रामघाट। और ये फेमस क्यों है आपको पता ही होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि जो कुंभ मेला होता है वो यहाँ लगता है। और ये शिप्रा नदी है, और शिप्रा नदी को मोक्ष पाने की भी जगह बोली जाती है, मतलब यहाँ स्नान करके मोक्ष प्राप्त होता है ऐसा माना जाता है। ये नदी को साफ करने का काम चल रहा है, और इधर बोटिंग भी होती है। होले नाथ। उज्जैन को मंदिरों की नगरी बोला जाता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ मैं। तो उम्मीद है ये जगह बहुत ही बढ़िया लगी होगी, और मैंने मेरे नज़रिए से आपको दिखाने की कोशिश करी है। तो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो, अगर आप भक्त हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
जहाँ से आए थे अब वहीं जा रहे हैं वापस। आ गया है हमारा उज्जैन जंक्शन। बाय बाय उज्जैन सिटी, बहुत ही बढ़िया थी। ठीक है, दर्शन हो गए, तगड़े हैं। अब वापस जाएंगे मावली जंक्शन, यहाँ से सीधा ट्रेन में।